बिहार उपचुनाव को लेकर देता रहेगा। तो लगातार आप देख सकते हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज वोटिंग की है, आज वोट उन्होंने भी दिया है और जनता से अपील की है कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताए। उनके पिता शकुनी चौधरी ने भी यह बयान दिया है। तो बिहार उपचुनाव का शंखनाद छिड़ गया है और आज मतदान हो रहे हैं 30 अक्टूबर का दिन। और आज बिहार में दोनों सीटों पर, दोनों विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर मतदान कराए जा रहे हैं। सुबह से भारी प्रशासनिक बल के बीच यहां पर तैनाती की गई है और इस बीच में वोटिंग सुबह से ही कराया जा रहा है, शाम 4-5 बजे तक यह वोटिंग चलेगा। इसकी पल पल की अपडेट्स डीटीवी भारत आपको देता रहेगा। आप देख सकते हैं दोनों तस्वीर। हम जरा चाहेंगे अपने पैनल प्रोड्यूसर, स्वाभाविक है तारापुर के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें। ये विकास और विनाश की लड़ाई, और विनाश करने वाले को कभी मतदान नहीं करें, ये जरूर मैं आग्रह करूँ। लेकिन ये स्पष्ट है कि तारापुर में एनडीए की भारी जीत होने जा रही है, और तारापुर इतिहास रहा है कि लालू प्रसाद जी सबसे ज्यादा कमजोर किसी इलाके में रहे तो वो तारापुर है, जहाँ तारापुर के मतदाता जो लालू प्रसाद से जुड़े हुए हैं वो लालू जी को कभी वोट नहीं करते। 1999 का चुनाव हमने देखा, 2005 का चुनाव देखा, 2010 का चुनाव देखा, यहाँ के मतदाता लालू यादव को कभी नेता नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ एनडीए भारी मतों से विजय होना एक अलग कार्य है। राजनीति में चेला एक अलग है, धर्म हमारा स्पष्ट है, हम एनडीए को एक एक वोट देने जा रहे हैं और एनडीए यहाँ भारी मतों से चुनाव जीते। तो हमने आपको पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सुनाया है। लगातार मंत्री भी अपील कर रहे हैं कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताएं। हालांकि सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि तारापुर में लालू यादव की नींव कम है, यहां पर लोग उनके समर्थक नहीं है और इसलिए उन्हें जिताएंगे भी नहीं। 99 का चुनाव हो, 2005 का हो, 2010 का हो, यह तस्वीर दिखी है, लालू यादव के खिलाफ यहां की जनता, ऐसा कह रहे हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। तो लगातार हम दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम जरा अपने पैनल प्रोड्यूसर को चाहेंगे, विपिन जी जरा दिखाइए दोनों तस्वीर, दो अलग अलग तस्वीर आप दिखा रहे थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दोनों तस्वीरों को जरा टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाइए। तो खास करके महिला वोटरों में भी पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया है, यानी कि महिला जो मतदाता है वो लगातार बढ़ चढ़कर दोनों सीटों पर मतदान कर रही है। पुरुष मतदाताओं को महिलाओं ने यहां पर भी पछाड़ दिया है, यह बड़ी खबर। तो देखिए दो तस्वीर अलग अलग, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पहली तस्वीर, दूसरा मुंगेर का तारापुर।